दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अमीर हमजा हेयर विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके रोजे और आपकी इबादतें कबूल अता फरमाए। बिल्कुल रेडी होके अभी नमाज पे जाने की तैयारी हो रही है। टाइम 7:15 हो रहे हैं, तो 7 बजे ईद की नमाज है। देन नमाज पढ़ के फिर घर आएंगे, बाकी का व्लॉग वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। जाए नमाज उठा ली। चलो चलो भाई, चलो चलो। अब्बू जान पता नहीं कहाँ गए यार। हुआ चले, चलो भाई घर चलते। ओ शेरी भाई, ईद तो मिल लो। ये हमारे शेरी भाई, हमारे सुपरस्टार भाई। इनके सॉन्ग्स भी हैं माशाल्लाह से, मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। तो यार लाजमन चेक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही आला सिंगिंग भाई हमारे रैपर है। मैं कुछ बोलूं भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है लिटरली। चैनल इसका भी सब्सक्राइब करो, व्लॉग का। यहाँ पे नमाज हो रही है। एक बंदे ने कहा यहाँ पे 9:30 बज जाएंगे, तो उन्होंने कहा भाई वहीं पे पढ़ ले। मस्जिद से नमाज पढ़ के आ गए हैं, तो आप सबको फिर से एक बार ईद मुबारक। ईद मुबारक ग्रीनो, ये ईद मुबारक। हे रिंगो, ईद मुबारक। हेलो भाई, इट्स खीर टाइम। कहते हैं ना ईद की नमाज के बाद मीठा खाना सुन्नत है। हे पेटू, पहला बाउल है, दूसरा पहला बाउल देखा मुझे का चिकना लग रहा है ईद के दिन। तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये आया कौन? ओ बड़े लोग, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसा है छोटे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। दिल की गहराइयों से गलती वगैरह माफ करो। नहीं, और उम्मीद है आप सबके रोजे अच्छे गुजरे। अल्लाह ताला आपके रोजे बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने तो रोजे भी नहीं रखे। बहरहाल ये थे हमारे ब्लू भाई, अब नाश्ता करके चलते हैं, बाकी सब लोगों से मिलने। चले चलो गाइस, अब चलते हैं चाचू वालों के यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चाचा जान आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। ये मेरे चाचू जान है भाई, और ये भी मेरे चाचू हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक चाचू, कैसे हैं? तो भाई हम चाचू के घर आए हैं अभी, इंशाल्लाह साथ मिलके फिर हम जाएंगे दादी के घर। चाचू जहांगीर नज़र नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? ईद मुबारक। कैसे आप? ठीक ठाक है? आइए आइए आइए, अल्लाह का करम, आइए अंदर बैठते हैं। ओ हो हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया? पैसा ही पैसा हो गया। ये छोटी मखलूक क्या है? ये हमारे हसन भाई है, हमारे मतलब मुल्लाजी खानदान की सबसे आखिरी मतलब निशानी। ये मेरा सबसे छोटा कज़न है और आखिरी कज़न है माशाल्लाह। और सबकी शैतानियाँ इसमें आ गई है, कहते ना जो बची कुची कसर किसी में से रह गई तो इसमें आ गई है। अच्छा, ये भी आपके नक्शे कदम पे जाएगा इंशाल्लाह, आपके रिकॉर्ड तोड़ेगा। दूसरी बोनी। ओहो, बात तो सही है। चाचू के घर से मिलके हम फारिग हुए, अब चलते हैं दादी के घर, फिर वहाँ से जाएंगे कब्रिस्तानी, उससे पहले जाएंगे हम। ओ सुधर जा, दो फुटिए जा भाई, पेट्रोल डलवा यार। फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं मेवाशाह के कब्रिस्तान में, जो तकरीबन एशिया का चौथा या पांचवा नंबर बड़ा कब्रिस्तान है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं, बड़ी गर्मी है यार, रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। यही है सब इंसानों की आखिरी डेस्टिनेशन। साल में सिर्फ एक बार ही लोग आते हैं, वरना तो सारा साल हर कोई अपनी कश्मकश में लगा हुआ होता है। चलो फातिहा।
पढ़ते हैं। गुलाम कादिर बख्श, ये मेरे दादा अबू की कब्र है। चलो फातिहा पढ़ते हैं फिर यहाँ से चलते हैं। हम आ गए कब्रिस्तान से फातिहा वगैरह पढ़ के, अब बैठे हैं पप्पो के घर, फिर यहाँ से जाएंगे दादी के घर। भैया तू मुझे वीडियो बनाने क्यों नहीं दे रहा? हाँ भाई ये इसको जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ये चाचू जहांगीर की आखिरी निशानी है। छोटे ये हमारा लाला है। लाला कैसा है नजीर भाई? ये मारूफ भाई, वाह भाई वाह, शिकारपुर से लाइव ब्रॉडकास्ट, कैसे हो? अब इतनी टूटी हुई स्क्रीन। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? अबे उतरो वो चिंपैंजी। क्या बात है, क्या बात है यार, मुझे गुलाब जामुन चाहिए। छठे माले में जाना है दादी के घर। अबू छठा माला है अबू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फाइनली हमारी सारी फैमिली आ गई दादी से मिलने। 2000 years later. घूमने फिरने के बाद फाइनली वी आर एट होम। चलते हैं घर, थक गए। दरअसल घर जाके मैं सो गया था, उसके बाद जब हम बाहर आए तो भाई ये देखिए मेहमान है, खुसूसी हमने यहाँ पे बिठा के रखा है आप सबके लिए। अरसलान मियां अस्सलाम वालेकुम। नहीं मामू को ऑलरेडी मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? भाई ये बैसेंजर चौक पे बैठ गया, हम बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, रात के खाने का वेट हो रहा है, बस आखिरी मुलाकात है, फिर यहाँ से हम जाएंगे घर। ये हैं हमारे लियारी के रात के सीन। बेसिकली यहाँ पे मेरे चाचू रहते हैं, चाचू जहांगीर। ये देखिए पीपल के पेड़ के नीचे, और यहाँ पे फुल तो पत्ता पार्टी चल रही है, फुल चिलिंग सीन है। हाँ मस्त मौसम हो रहा है, एकदम मस्त बोले तो चक्कस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है भाई। और अगर हम अगर शॉर्ट में बोले ना इस जगह की तारीफ बयान करें तो भाई ये हम बेसेंजो एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं सुबह, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी फ्लाइटें जो है ना डेली प्रवास करती हैं, हर घंटे में या हर मिनट में एक फ्लाइट निकलती है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, समझ तो गए हो गए आप। तो ये बेसेंजो एयरपोर्ट है, ठीक है ना मामू? कैसे पीछे हवाई जहाज उड़ रहे हैं हमारे, समझ तो गए हो गए। बराए मेहरबानी अपने सीट की पेटियां बांध के रखें, पीआईए का जहाज परवाज को तैयार है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जन्नत की सैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये तो हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, तब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। उठ, सारा दिन सोएगा, ईद ईद में भी सोएगा है?